Yeah, every day with it, I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. You can't let this one slide. What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. आज मैं जा रहा हूँ अंश के घर मूवी देखने, क्योंकि आज बाहर तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि दो तीन दिन से मैं बाहर ही जा रहा हूँ। तो घर वाले भी कह रहे कि दो तीन दिन बाद चाहिए, तो फिर मैं घर बैठे बैठे बोर तो थोड़ा सा मूवी देख आते हैं इससे बढ़िया। तो फिर मैं हिमांशु को लेकर जा रहा हूँ अंश के घर। लक्ष्य को भी पूछूंगा कि वो चलेगा, चल देगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फिर हिमांशु को लेकर चलते हैं अंश के घर। और एक और बात, उसका अंश का मेरे पास कैमरा है, ये निकोन का। उसका जब हम अरावली गए थे तब उसका कैमरा मेरे पास ही रह गया था। थोड़ा सा फोटो खिंचवाएंगे और अरावली में जाके तब फोटो खिंचवाए नहीं, तो फिर उसका कैमरा मेरे एक्टिवा के डिक्के में ही रह गया था। तो फिर अब उसको दे दूंगा। तो फिर अब चलते सीधा अंश के घर। आते कोई चीज़ दिखाऊं, ये देख किसी ने एक्टिवा ठोक दिया, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से एक्टिवा ठुकी पड़ी है, हैं, और एक यहाँ से ठुकी पड़ी है ना, ठुक रखी है वो ना, मेरे से ठुकी और ना इससे ठुकी, बल्कि चलाते बस ये और ना यही वाली एक्टिवा, और ना किसी को देता भी नहीं हूँ। बस यहाँ से छुकी पड़ी है और यहाँ से छुकी पड़ी है। अब ये पता नहीं कहाँ से छुक गई है, मेरे को तो आज ही पता चली भाई, ये छुकी पड़ी है यहाँ से। देखी कहाँ ये? मैंने भाई अभी देखी जब तू ऊपर था, जब मैं तेरे को बुला रहा था, मैंने तभी देखी है, यहाँ से छुकी पड़ी है। ये बाहर निकाल लेना, निकल जाएगा, डेंट पड़ा है वहाँ पे, बाहर निकल जाएगा वो, तो निकाल लेंगे अब थोड़ी देर में। अरे वो चाहिए। तो भाई यहाँ पे ये लगा पड़ा, अभी डेंट वेंट निकालेगा। ये देखो लकड़ी, इंजीनियर है ये, मतलब कुछ ख़राब इसको बोल दो ना कि यहाँ पे कुछ हो रखा है, वहीं चीज़ लेके बैठ जाएगा और बस ठीक करनी है। देखो लग रहा है ठीक करने, ये अंदर देख लो ठीक है। लक्ष्य को तूने फ़ोन करा? फ़ोन करके पूछ ले, एक बार चले तो चल देगा। मैं से फ़ोन करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। लक्ष्य को फ़ोन करा था, लक्ष्य का नंबर नहीं मिल रहा है। तो फिर अब ये तो बस इंश्योरेंस में ठीक होएगा, अब इसको इंश्योरेंस में लेकर आऊँगा तभी सही होएगा। फिर तू और मैं चल रहे हैं अंश के घर, तो फिर हम दोनों ही जा रहे हैं अब अंश के घर। चलते हैं फिर अंश के घर, चल भाई। घर पहुंच गए, और ये ऐसा कुत्ता, और ये उसका मालिक, उससे बड़ा कुत्ता। एक और चीज़ दिखाऊं भाई, अंश ने नया ये लैपटॉप लिया है, इसको कम से कम एक साल हो गए ले हुए। तो भाई मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, फीचर आपको यही बता दे कितने का यार, कैसा लिया बता भैया। देखो ये मैंने लिया था यार, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, और ये कुछ 70,000 का पड़ा था मेरे को। और इसमें मतलब ये बेसिकली गेमिंग पीसी है, और इसमें सारे मतलब ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, और RGB लाइटिंग है, मतलब मेनली गेमिंग और एडिटिंग के लिए ही है। तो मैं से यही बता रहा था कि अगर तेरे को लेना हो तो तू ये भी ले सकते, वरना मैकबुक तो है बढ़िया। भाई मैकबुक के लिए पैसे नहीं है, और इसके लिए भाई तूने कितने का लिया था? 70,000 या 60,000 का। भाई 70,000-60,000 का ले रखा है, मेरे पास 30,000 वाला लैपटॉप है, वो भी ख़राब पड़ा है। तो फिर भाई जब पैसा आएगा मैं तभी ले पाऊँगा, तो फिर देख लो आप। देखो भाई इसमें तुम्हें 8GB तो RAM में मिल जाती है, 8GB की RAM, और स्टोरेज तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सा वेरिएंट लेते हो। कम से कम तुम्हें 1TB का है मेरे वाला, लेकिन तुम्हें SSD भी मिल सकती है साथ में, लेकिन उसमें फिर वही प्राइस बढ़ जाएगी तुम्हारी अच्छी खासी। फिर मतलब इसमें ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे CPU का टेम्परेचर और यूसेज। मैं तो भाई बहुत कम ही यूज़ करता हूँ मेनली मैं, क्योंकि एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता अभी। और ये तुम्हारा GPU का है, जो मतलब जब तुम गेम खेलते हो तब ये तुम्हें सब कुछ बताया। और ये तुम्हारा ग्राफ दे रखा है, कूलिंग का होता है कि तुम्हारा अभी कूलिंग पे लगा हुआ है, अगर तुम गेम मोड पे डाल दोगे तो इसमें CPU की परफॉर्मेंस, GPU की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, और कूलिंग भी बढ़ जाएगी। बस मेनली तो गेमिंग ही है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें बाकी। और ये तुमने कहाँ से लिया था? फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने, ASUS ROG Strix। भाई अगर जिसको लेना है तो फिर अपना फ्लिपकार्ट से ले सकता है, ठीक है।
हाँ अमेजोन पे भी मिल जाएगा। बाकी इसमें तुम्हारे 8 GB की अलग सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, और ऑरा इफेक्ट्स तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी इसमें। ऑरा इफेक्ट्स में तुम कैसे अपने कीबोर्ड की लाइटिंग और ये सब सेट करना चाहते हो, बाकी तुम्हें इसमें गेम्स ही दिखेंगे सारे, वो तुम्हें खरीदने पड़ेंगे अलग से, या तुम थर्ड पार्टी से करते हो तुम पे डिपेंड करता है। पीसी आपने देख लिया, अब हम जा रहे हैं थोड़ा PS4 खेलने। हम तो ऐसे आप मूवी देखने आए थे, तो फिर मूवी का पता ही है 6 घंटे कौन बर्बाद करेगा, तो फिर ऐसे बड़े PS ही खेल लो। कर भाई PS चालू कर, अब हम खेलेंगे PS4। PS4 ले रखा है ना ये, और वहाँ पे उसका वो रखा है सारा सिस्टम, तो उसने PS4 के डेडपूल के स्टिकर लगवा रखे हैं यहाँ पे दोनों रिमोट पे, और ये रहा इस पे भी लगवा रखा है। कितने के लगवाए थे ये भाई? 1000 रुपये की स्क्रीन पड़ी थी पूरी। 1000 की स्क्रीन पड़ी थी, और ये सारे गेम रहे, और बाकी इसमें ऑनलाइन है भाई। कौन सा लगाएगा पहले? टेकन लगा दे भाई, हम तो घूम फिर के टेकन पे आते हैं, क्योंकि बाकी तो खेलने नहीं आते। ज़्यादा लोग नहीं खेल सकते, तो फिर अब चालू करते हैं। ये रहा इंस्पेक्टर कुत्ता, इसका नाम है जिमी। ये कम से कम 8 या 9 साल का है, इसके पैर में लगी पड़ी है, ये खून नहीं है, ये इसके यहाँ पे दवाई लगा रखी है हमने। जिमी ये बहुत मोटा है, ये ना मतलब आलसी बहुत है, बड़े सोता रहता है और खाता रहता है बस। जिमी ये खेल रहे टेकन, कौन सा टेकन है भाई? टेकन 7। ये अंश खेल रहा है, और हिमांशु खेल रहा है भाई। हिमांशु बहुत गंदे तरह हार रहा है। ये हिमांशु है जो बुढ़ा है ना, ये हिमांशु है, और लेफ्ट वाला अंश है, देख रहे भाई, इसे कहते प्रो। Rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside this paradise. घर जा रहे हैं, हमको यहाँ पे कुछ 3-4 घंटे से बैठे थे उसके घर, फिर 6 बजे उसकी मम्मी की याद आती है, तो फिर अब हम जा रहे हैं घर, 6 बजे उसकी मम्मी आ जाएगी। भाई मैं आ गया हूँ घर, हिमांशु के भी घर से फ़ोन आ गया था कि उसको भी कहीं जाना था, तो फिर इसलिए हम घर आ गए, और 6 बजे अंश की मम्मी याद आती है, तो फिर इसलिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करके जाना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।